बलूचिस्तान से खबर शामिल करते हैं, जहां पर असेंबली ने ट्रांसजेंडर पर्सन ऑफ राइट्स एक्ट को कालादम करार देने की करारदाद मंजूर कर ली है। तफसीलात के मुताबिक बलूचिस्तान असेंबली का इजलास कायम मकाम स्पीकर सरदार बाबर मूसा खेल की सदारत में ताखेर से शुरू हुआ, तो ऐवान में JUI के रकन असेंबली असगर तरीन ने ट्रांसजेंडर पर्सन राइट्स एक्ट को कालादम करार के हवाले से करारदाद पेश, जिसमें कहा गया था कि ये एक्ट आईने पाकिस्तान और इस्लामी असूलों के मुनाफी है। अराकीन ने बहस करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत को ऐसे इकदाम से ग्रेस करना चाहिए जिससे अवाम की मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचे। ऐवान ने बहस के बाद करारदाद मंजूर कर ली गई। ऐवान ने पार्लिमानी सेक्रेटरी कानून डबाबा बलेदी का नुकता एतराज पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बलोचिस्तान के जेलों में इस्लाहात होनी ज़रूरी है। सूबे में जेल का महकमा नज़रअंदाज है। जेल के अमले को वो सहूलियात देनी चाहिए जो दीगर फोर्सेस को मिलती हैं। बलोचिस्तान के मुकाबले में दूसरे सूबों के जेल मुलाजमीन को ज़्यादा सहूलियात मिल रही हैं।